फिर बिगड़ेगा माहौल, बयानों से फिर बिगड़ेगा बैलेंस, चुनावों से फिर इस बार निष्पक्षता पर खरा उतरेगा न्यूज 18, क्योंकि इलेक्शन मतलब न्यूज 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीर गोवर्धन में संत रविदास को किया नमन। संत रविदास की जयंती पर उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और गुरु के चरणों में शीश झुकाया। दौरान लगभग 45 मिनट के प्रवास में दर्शन पूजन के साथ ही रविदासियों को संबोधित भी करेंगे। इसके पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर बीचू हेलीपैड पर उतरा तो भाजपा नेताओं ने उनका हेलीपैड पर स्वागत किया। इसके बाद वह कार से सीर गोवर्धन के लिए रवाना हो गए। इसके पूर्व सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी 4 बार संत रविदास जन्मस्थली आ चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सीर गोवर्धन पहुंचने के बाद संत रविदास की प्रतिमा को नमन करने के साथ ही विधि पूर्वक गुरु की वंदना और पूजन के बाद रविदासिया संत निरंजन दास से भी मिलने पहुंचे और संत को नमन किया। गुरु चरणों की वंदना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसाद ग्रहण किया और गुरु की महिमा का भी बखान किया। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से काशी में सीर गोवर्धन में पर्यटन विकास की जो अनेक योजनाएं भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, इसमें लंगर हॉल का निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। सदगुरु की एक कांस्य प्रतिमा की स्थापना भी हो चुकी है। पार्क निर्माण की कार्रवाई प्रगति में है। इससे संबंधित कुछ जमीन और भूमि क्रय करने की कार्रवाई चल रही है। यथाशीघ्र से भी हम पूरा करके सदगुरु की कृपा से यह कार्य भी हमारा एक समय सीमा के अंदर पूरा हो जाएगा। आज मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को और यहाँ काशी में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों को सद्गुरु के इस पावन जयंती के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सद्गुरु की कृपा हम सब पर बनी रहे, लोक कल्याण के मार्ग पर समाज की एकता और समरसता को बनाए रखने में हम सब सफल होंगे, इस विश्वास के साथ मैं अपनी शुभकामना सभी श्रद्धालु भक्तों को आगंतुकों को देता हूँ। यहाँ पर मैंने सदगुरु के पावन धाम में लंगर छका है, यहाँ के पूज्य संतों से मुलाकात की है और यहाँ के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी, कार्य कर रही है, आगे भी कार्य करेगी। यह आश्वस्त करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने यहाँ दर्शन भी किया है, लंगर भी छका है, श्रद्धालुजनों से पूज्य संतों से सबसे मुलाकात की है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
कर दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मित्रों आज माघी पूर्णिमा है। सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का पावन जन्मदिन भी है। ये हमारा सौभाग्य है कि संत रविदास जी महाराज का जन्म इस काशी की पवित्र धरती पर सीर गोवर्धन में हुआ है और आज यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित होकर के सदगुरु के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सदगुरु के विचारों को सबका साथ, सबका विचार, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है उसके पीछे सदगुरु संत रविदास जी की प्रेरणा है और इस महान संत ने उस कालखंड में काशी की धरती से भक्ति का जो संदेश दिया वह आज भी हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान करता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, आज भी प्रत्येक भारतीय को एक नई